मैं आपका दोस्त और साथी संजय उपाध्याय एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियो में ऑनलाइन पार्ट टाइम फ्रीलांस वर्क फ्रॉम होम जॉब की जानकारी देता हूं और हर वीडियो में एक नया वेबसाइट पोर्टल बताता हूं जिस पर काम करके आप अपने लिए महीने का अच्छा इनकम कर सकें। दोस्तों, आज का थंबनेल और वीडियो का टाइटल देखकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस वेबसाइट के बारे में है। अगर आप इस वेबसाइट पे हर प्रोसेस को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसे बगैर स्किप किए हुए अंत तक देखें। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको पूरी प्रोसेस अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक बगैर स्किप किए हुए देखें। दोस्तों, जो लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और वो इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो इस टॉपिक पे बने वो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हमारे मोहल्ले में एक मिस्टर चंदर है। उन्होंने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का कोर्स किया और एक मीडिया हाउस में अच्छी इनकम कर रहे थे। आपको तो पता है कि आजकल इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है और हर जगह से लोगों की छटनी हो रही है। इसी कारण उनकी भी अपनी कंपनी में नौकरी पे मुसीबत आ गई और छटनी का सामना करना पड़ा। एक दिन वो मुझसे मिले और उन्होंने अपने आर्थिक स्थिति की बातें मुझसे शेयर की। मैंने उनसे कहा कि भाई, आप तो एक अच्छे फोटोग्राफर भी हो, इसकी आपने ट्रेनिंग भी ली है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है और उस पर नेट जुड़ा हुआ है, तो इसी का इस्तेमाल करके आप अपने लिए अच्छी इनकम क्यों नहीं करते हो जिससे परिवार की आर्थिक बदहाली दूर हो जाए। उन्होंने बोला, ये कैसे कर सकते हैं? हमने कहा कि आजकल ढेरों ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं जो इंटरनेशनल लाइब्रेरीज हैं और उस पे ही स्टॉक फ़ोटो खींच के अगर आप अपलोड करते हो तो वो फ़ोटो जब कोई ख़रीदता है तो जो वेबसाइट है वो अपना कमीशन काट के आपको आपका जो फ़ोटो की कीमत है वो दे देती है। इस तरह आपका काम बस इतना है कि आप लगातार फ़ोटो खींचते रहिए और अपने मोबाइल से ही उसे उस वेबसाइट पे अपलोड करते रहिए। आपको बस इतना करना है कि अपने आप को वेबसाइट पर रजिस्टर कर लेना है और उसके तौर तरीके को जान लेना है, अपना बैंक अकाउंट उससे जोड़ देना है और फ़ोटो खींच खींच के उस पर अपलोड करते रहना है। आजकल हर मोबाइल कैमरा जो है एक बहुत ही अच्छे रिजोल्यूशन का होता है, इसलिए फ़ोटो भी बहुत अच्छा आता है। करना बस आपको इतना है कि किसी वीकेंड में या अपने खाली समय में जो भी आपके पास अभी है उसका उपयोग करना है। उन्होंने हमसे पूछा कि फ़ोटो किस चीज़ का खींचेंगे। अरे भैया, फ़ोटो खींचने की भी कोई सोचने की बात है? किसी भी चीज़ की फ़ोटो खींचो, ऑफिस की फ़ोटो खींचो, प्रोडक्ट की फ़ोटो खींचो, गांव की फ़ोटो खींचो, मोहल्ले की फ़ोटो खींचो, इंडिविजुअल्स की फ़ोटो खींचो, पेड़ पौधे, बाग बगीचे, जंगल, जानवर, ऐसे तमाम चीज़ों के फ़ोटो खींचो, फेस्टिवल्स के फ़ोटो खींचो, मूवमेंट्स के फ़ोटो खींचो और इन्हें अपलोड करो। आप जब इन फ़ोटो को अपलोड करते हैं तो अपलोड करने वाले को कंट्रीब्यूटर कहते हैं, जो इसे खरीदते हैं उनको कस्टमर कहते हैं। दुनिया भर में वेबसाइट कंपनियां, जो एड एजेंसीज हैं, जो मूवमेंट के लिए एनजीओज अपने ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स वगैरह छपवाते हैं, उन सबको भी अलग अलग तरह के फ़ोटो चाहिए, अपने हिसाब और अनुसार के फ़ोटो चाहिए। वो भी इन्हीं तरह की इंटरनेशनल लाइब्रेरीज पे जाते हैं और वेब में जाकर वहाँ पे अपने मनपसंद फ़ोटो को सेलेक्ट करते हैं, उसकी जो कीमत रहती है उसको अदा कर देते हैं और उन फ़ोटोज़ को डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके फ़ोटो भी लगातार इन वेबसाइट्स पे चढ़ते रहते हैं और उसे कुछ कस्टमर वर्ल्ड में कहीं भी पसंद कर लेते हैं तो वो उसकी कीमत अदा करके उसे डाउनलोड करेंगे। जो वेबसाइट है वो अपना पैसा या कमीशन काट के आपको एक
वह खास रकम आपके खाते में भेज देगी। आप अपने काम को करते रहिए और पार्ट टाइम एक अच्छी इनकम करते रहिए। तो दोस्तों, इसी तरह की एक वेबसाइट जिसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, उसका नाम है iStock.com। दोस्तों, ये एक जेन्युइन वेबसाइट है, एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, ये एक फ़ोटो लाइब्रेरी है। आप अपने कैमरे से बस फोटो खींचिए और इस पर अपलोड कीजिए। आपको करना बस इतना ही है कि संडे वगैरह को बस निकल जाइए, अगल बगल घूमिए, फोटो खींचते रहिए, अपलोड करते रहिए। हाँ, एक बात का खासा ध्यान रखें कि उनके फ़ोटो आप ना खींचें जो ऑब्जेक्ट करते हों, और ना ही किसी के ऑब्जेक्शन वाले फ़ोटो आप इन वेबसाइट्स पे अपलोड करें, वरना आपको समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, इस वेबसाइट पे आप कैसे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे कॉन्ट्रीब्यूटर बनेंगे, कैसे अपना अकाउंट लिंक करेंगे, इस सब की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। और ये सारा काम आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो चलिए, हम आपको लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां मोबाइल से आप कैसे अपने आप को इन वेबसाइट से रजिस्टर करेंगे, इसकी जानकारी हमारे एक्सपर्ट और साथी मिस्टर नितिन आपको देंगे। तो चलिए, ओवर टू मिस्टर नितिन। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है। आज हम जिस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसका नाम है iStockphoto.com। दोस्तों चलिए, हम समय ज़्यादा ना ख़राब करते हुए आपका चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे, जहाँ जानेंगे कि इस वेबसाइट पे क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या प्रोसीजर है और कैसे कैसे करना है। तो हम ये अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ गए हैं। यहाँ के एड्रेस बार में हम डालेंगे iStockphoto.com। ये iStockphoto.com जो है वो खुल गई है यहाँ पे। मैं इसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ से आप जाके इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो हम थोड़ा, ये iStock की वेबसाइट है, हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप की फ़ोटोज़ यहाँ पे हम डाल सकते हैं। इंडियन फ़ोटोज़, एलुस्ट्रेशंस, वेक्टर, HD, 4K, आपने जो भी, अगर कहीं टूर पे गए हैं, ट्रैवल पे गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, किसी गार्डन में गए हैं, क्या किसी फोर्ट में गए हैं, तो आप यहाँ के इसके पे इमेज डालने का बहुत बड़ा ही क्राइटेरिया है, जहाँ से क्या नाम है, हमारे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ब्रोशर्स और अदर अदर कंपनीज जो है यहाँ पे आके इस वेबसाइट से वो फ़ोटो परचेस करती है, और परचेस करने के बाद जिसने भी वो फ़ोटो डाली होती है उसको उसका अपना वो कमीशन जो है वो लेके अपना आगे फॉरवर्ड कर देती है। तो दोस्तों, हम चलते हैं, स्क्रोल डाउन करते हैं इसको। स्क्रोल डाउन में यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स स्टॉक लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आ गए हैं, ये इसका जो एक पेज है यहाँ से आ गए। तो हम थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। अबाउट, ये गेटी इमेज के बारे में कुछ अबाउट है। तो यहाँ पे लिखा है कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आप कैसे काम करना है और आप कितना यहाँ पे आप कमा सकते हैं और आप किस चीज़ की फ़ोटो खींचें, व्हाट शुड आई शूट। ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है सबका कि हम सबसे पहले किस चीज़ की फ़ोटो खींचे। सर, मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा और अपना आप रिसर्च कीजिए आप किस चीज़ की फ़ोटो खींचना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। तो आपको रिटेन कॉपीराइट और आपके वर्क का जो कॉपीराइट रहेगा आपका, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर अपने कोई फ़ोटो खींच के दी है और वो कोई और आपकी मर्जी के बगैर यूज़ नहीं कर सकता है, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो iStock की होती है। तो अब हम चलते हैं कि इस पर आप कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डाउनलोड कंट्रीब्यूटिंग बाय गिटी इमेज ऐप टू स्टार्ट सबमिट योर क्रिएटिव कंटेंट टुडे। तो आपको इस पर क्या नाम है जो है डाउनलोड करने के लिए, आपको यहाँ पे, अगर जब आपका एप्पल का डिवाइस है तो आप एप्पल के डिवाइस पे क्लिक करिएगा, और अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप गूगल प्ले पे क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम क्या नाम है, ये आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, कि अपने मोबाइल स्क्रीन पे आगे का प्रोसेस जानेंगे। तो हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं। मोबाइल स्क्रीन पे आपको मैं लिंक दे दूंगा जैसे यहाँ पे कैसे आते हैं। और अब यहाँ पर जो गूगल प्ले का बटन है आप इस पर क्लिक करिए, तो आप इस पेज पर आ गए। प्ले स्टोर का ऐप है,
तो यहाँ पर ये कंट्रीब्यूट बाय गिट्टी इमेज का ऐप है और इसको आप इंस्टॉल करेंगे। ये ऐप मेरे फ़ोन पे अब इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद यहाँ ओपन के बटन पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो गया है ऐप। और अब यहाँ पे ये एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, ये मैं अपनी ईमेल आईडी डाल दी है। फिर उसके बाद अपनी जो है कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि करीब आप 3 से 6 फोटो ऐड करो, तो यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम कोई भी 3 इमेज जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। ये मैंने अप्लाई कर दिया है, अप्लाई कर यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी पे चेक करना कि आपको ये कंफर्मेशन के लिए भी बोलेगा, 5 से 7 दिन में आपका अकाउंट रिव्यू करके आपको इन्फॉर्म कर देगा। तो अब चलते हैं अपनी ईमेल आईडी पे इसको कंफर्म करने के लिए। हमने यहाँ पे सक्सेसफुली जो हमारा एप्लीकेशन था, हम दोबारा से कंप्यूटर स्क्रीन पे आके अपनी ईमेल जीमेल आईडी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हमारा जो अभी हमने एप्लीकेशन डाली है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। इसमें अब 5 से 7 दिन तक हमारा अकाउंट जो है रिव्यू करके गिटी इमेज आई स्टॉक जो है ये हम लोग को अब रिप्लाई इन्विटेशन जो है 5 से 7 दिन में भेज देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत होती है इस पर रजिस्ट्रेशन करने में या ये एप्लीकेशन सबमिट करने में तो आप मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूंगा आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट तो आप करिएगा ही, और अगर जिसको कोई ज़रूरत हो इसमें इस ऐप की उसको भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मिस्टर नितिन द्वारा रजिस्ट्रेशन का बताया हुआ प्रोसेस जो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप करके बताया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, और जिन दोस्तों को या जिन लोगों को आप जानते हैं कि उन्हें भी ऐसे ही वीडियो की आवश्यकता है उनके साथ शेयर करें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको नए नए ऑनलाइन वीडियो के बारे में जानकारी दूं जिस पे आप पार्ट टाइम फ्रीलांस वर्क करके अच्छी इनकम कर सकते हैं तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का जो भी वीडियो हम आपके लिए बनाएं वो आपको सबसे पहले मिल सके। हाँ, मैं भूल गया था, बेल आइकन दबाना आप ना भूलें, तभी आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलेगा।